हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी को सादे कुर्ते की ड्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम इसकी लंबाई लेंगे 30+2 यानी कि 32, तीरा हम रखेंगे 12, सीना हमारा रहेगा 36 का, आस्तीन की लंबाई रहेगी 5+1 यानी कि 6, बॉटम हमारा रहेगा 10, गला हमारा रहेगा 6 और आपके सुविधा अनुसार जितना आप रखना चाहें उस हिसाब से आप गले की गैर लंबाई रख सकते हैं। इसके लिए हम अपना नाप स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। ये हमारा हो गया 32+। अब हम तीरे का निशान लगाते हैं, ये हमारा 6, 12 का आधा हमारा आएगा 6 प्लस ये आस्तीन का आम्र होल जिसको बोलते हैं उसके निशान 6.5 और सीना हमारा 36 है, 36 का चौथाई भाग निकालेंगे, 9 में हम 2 इंच जोड़ेंगे यानी कि 11, हमारा 11 आया। यह हमारा निशान हो गया। गले का हम 2 इंच पे गले की गहराई के लिए निशान लगाएंगे, हम 6 पर गले का दे रहे हैं और पीछे का 5 और आस्तीन की गहराई ये हमारी 1.5 इंच पे जाएगी। इस तरीके से ये हमारी गहराई है। आगे के हिस्से में गहराई होती है आस्तीन में और पीछे में नहीं होती है। ये गले की हो गई। अगर आप गला गोल रखना चाहें तो गोल और अगर चौकोर रखना चाहें तो चौकोर रख सकते हैं। और अब हमारा जितना तीरा है उतना कमर लाइन लेंगे यानी कि हमारा 12 हमारी तीरा है तो यहाँ पे हम कमर लाइन में हम 1.5 इंच कम कर देंगे यानी कि हमारा आएगा 9.5। ये इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब हम जो अपने सूट में चाप बनाते हैं जो दामन बनाने के लिए तो जितना रखना हो, जैसे कि हमको रखना है 6, ये 6 पे हमने इसे निशान लगाया और इसमें हमने 10.5 आधा इंच सीने से कम लेके ऐसे हमने हमें मिला देना है इस तरीके से। बाकी नीचे जितना हमने सीना रखा था उतना नीचे दामन भी हम उतने पे ही लगाएंगे निशान और इस तरीके से हम मिला देंगे। 4 परत हमारा कपड़ा रहेगा, बंद भाग से हम निशान लगाएंगे। ये हमारा बंद भाग से, ये हमारा 9.5 रहेगा, ये 10.5 रहेगा, ये सीने का चौथाई भाग प्लस 2 इंच बराबर 11। ये हमारा तीरा 6 और ये 6.5, ये 1.5, ये 5 है और ये 6 है, 2 इंच का गला है। आपको अब हम आपको आस्तीन की निशान लगाना बताते हैं ड्राफ्ट। हम आस्तीन की लंबाई 6 रखते हैं और 9, ये देखिए इस तरह इधर से भी 9 हम नाप लेंगे, ये पूरा एक बॉक्स। बना लेंगे 1 इंच दबाव के लिए, 1 इंच और ये अब निशान लगाने के लिए 4.5 और ये 2.5, ये हम गहराई अपनी देंगे इस तरीके से। इधर भी हम अपना
अपनी सुविधा के लिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे 1 इंच पे, और इस तरीके से गहराई दे देंगे। और उसके बाद ये इस तरीके से गहराई देंगे, इस तरीके से, और ये हमारा बॉटम इस तरीके से आएगा। बंद भाग लंबाई 6-9 सेमी का चौथाई भाग, ये 6, ये 2.5, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हम पेपर पे कटिंग नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे।